यूनिवर्सिटी के एक फेस्ट में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका विरोध उन्होंने यूनिवर्सिटी के सामने करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि छेड़छाड़ का विरोध करने और अपने हक के लिए लड़ने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, विरोध करने पर दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें घसीटते हुए बस में डाल दिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जिसका वे जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस महिला सशक्तिकरण का महज ढोंग करती है। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय की आईपी कॉलेज की छात्राएं मौजूद हुई अपना आक्रोश अपना दुख दर्द प्रकट करने। कल उनके साथ मैसिव हैरेसमेंट होता है यहाँ के फेस्ट में, तो हमारी बात सुनने की बजाय, हमारे दुख दर्द सुनने की बजाय, कल हमें सुरक्षा देने की बजाय ये दिल्ली पुलिस हमें आज कुत्तों की तरह भर के बस में ले जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज बहुत ही काला दिन है। दिल्ली पुलिस की जो महिला सशक्तिकरण का एक ड्रामा चलाती है उसके लिए, और इन विमेंस कॉलेजेस के अंदर जो महिला सशक्तिकरण का ढकोसला चलता है उसके लिए भी यहाँ पर कहा जाता है कि महिलाओं के उन्मुक्तिकरण डेवलपमेंट की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने आते हैं, हम चंद लोगों के लिए 150 पुलिस बुला ली जाती है। और कल जब सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ हैरेसमेंट होता है, तब यहाँ पर 10 पुलिस वाले मौजूद नहीं होते हैं, न यहाँ की आईपी की प्रिंसिपल उन्हें बुलाती है। तो बहुत शर्म की बात है, ये बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। हम लोग के साथ ही कल बदतमीजी की गई है और हम ही लोगों को प्रोटेस्ट करने पे उठाया जा रहा है।